हेलो स्टूडेंट्स आई एम टुडे विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो द लॉटरी टिकट एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी लर्न दैट आई वॉन्ट वाज़ ट्रिच मिडिल क्लास मैन एंड मासा वॉज इज वाइफ एंड दे बोथ वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द लॉटरी टिकट हालांकि उन्होंने लॉटरी टिकट में अभी खाली सीरीज़ का नंबर ही मैच किया है और अभी उनके टिकट का नंबर मैच नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो अपनी कल्पनाओं में खोए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि अगर वो लॉटरी टिकट का ये अमाउंट जीत जाते हैं तो वो क्या क्या करेंगे इस अमाउंट के साथ सो लेट एस बिगिन विद द स्टोरी आई वॉन्ट माई टिच पिक्चर टू हिमसेल्फ ऑटम विद इट्स रेन्स इट्स कोल्ड इवनिंग्स एंड इट्स सेंट मार्टिन समर आई वॉन अपने आप को कल्पनाओं में खोया हुआ पाता है वो खो जाता है ये सोचते हुए कि वो ऑटम के रेंस में जहाँ पे बारिश हो रही होगी हल्की हल्की और शाम uh, बहुत ठंडी होगी वो वहाँ पे होगा इन दैट सीजन ही वुड हैव टू टेक लॉन्गर वॉक्स अबाउट द गार्डन एंड बिसाइड द रिवर सो एज टू गेट थोरोली चिल्ड एंड देन ड्रिंक अ बिग ग्लास ऑफ वोड का अब वो सोच रहा है थोरोली uh, चिल्ड का मतलब है वेरी रिलैक्सड उसे पूरी तरह से आराम रिलैक्स होने के लिए क्या करना होगा कि उसे आ, लंबी सैर के लिए जाना होगा गार्डन में और नदी के किनारे वो लंबी सैर के लिए जाएगा और फिर जब वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि एक बड़े से ग्लास में वो वोडका पिएगा वोडका इज़ एन एल्कोहलिक स्पिरिट ऑफ रसियन औरिजिन ये रसियन औरिजिन की एक शराब है एंड ईट असॉल्टेड मशरूम और सॉस कोकम्बर एंड देन ड्रिंक अनादर और फिर वो क्या करेगा जब वो वो उसका बड़े से गिलास में पिएगा तो वो सॉल्टेड मशरूम या फिर सॉस कोकम्बर खाएगा और फिर एक और ड्रिंक लेगा वो द चिल्ड्रेन वुड कम रनिंग फ्राम द किचन गार्डन ब्रिंगिंग अ कैरट एंड अ रेडिस स्मेलिंग ऑफ फ्रेश आर्थ और जो बच्चे होंगे वो दौड़ कर किचन गार्डन से आ रहे होंगे और अपने साथ में वो कैरेट या रेडिस लेकर आ रहे होंगे जिससे ताजी मिट्टी की खुशबू आ रही होगी देन ही वुड लाई स्ट्रेच फुल लेंथ ऑन द सोफा एंड इन लेजरली फैशन टर्न ओवर द पेजेस ऑफ समलस्ट्रेटेड मैगजीन और कवरिंग हिज फेस विद इट एंड अनबर्टनिंग हिज वेस्ट कोट गिव हिम सेल्फ अप टू स्लम्बर और फिर वो क्या करेगा वो सोच रहा है वो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ है कि वो पूरी तरह से फैल कर सोफा में लेट जाएगा बहुत आराम से और कोई मैगज़ीन होगी जिसके पेजेस वो पलट रहा होगा या फिर उस मैगज़ीन से अपने चेहरे को ढक लेगा और अपने वेस्ट कोट की बटन खोलकर वो एक हल्की नींद लेगा सेंट मार्टिन समर इज़ फॉलोड बाई क्लाउडी एंड ग्लूमी वेदर सेंट मार्टिन के समर के बाद जो मौसम होता है वो बदली भरा हो जाता है यानी वहाँ पर बादल हो जाते हैं और उदासी भरा एक मौसम हो जाता है वहाँ पर इट क्या होता है कि रात में भी बारिश होती है दिन में भी बारिश होती है और जो ट्रीज होते हैं बियर ट्रीज का मतलब क्या है कि पेड़ जो है वो पूरी तरह से नंगे हो जाते हैं उनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं और जो हवा होती है डैम्प मीन्स स्लाइटली वेट वो वेट uh, होती है काफ़ी और ठंडी होती है द डॉग्स द हॉर्सेज द फॉल्स ऑल आर वेट डिप्रेस एंड डाउन कास्ट जो डॉग्स होते हैं जो हॉर्सेज होते हैं और फॉल्स का मतलब क्या है पक्षी जो होते हैं वो सारे के सारे वेट होते हैं और बहुत उदास दिखते हैं देर इज़ नो वेयर टू वॉक कहीं भी चलने फिरने की जगह नहीं है वन कैन नॉट गो आउट फॉर डेज टुगेदर कोई भी काफ़ी दिनों तक बाहर नहीं जा सकता है वन हैज़ टू पेश अप एंड डाउन द रूम एक आदमी को रूम के अंदर ही चहलकदमी करनी होती है लुकिंग डेस्पोनेटली एट द ग्रे विंडो और उदासीपूर्ण तरीके से आप खिड़की से देख सकते हैं इट इज़ डियरी यहाँ पे पूरा सुनसान होता है वीरान होता है आई वॉन माइट्रिच स्टॉप्ड एंड लुकड एट हिज वाइफ आई वॉन माइट्रिच रुका और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा ही सेट आई शुड गो अब्रॉड यू नो मासा उसने कहा कि माशा मैं सोचता हूँ कि मुझे विदेश जाना चाहिए ही बिगेन थिंकिंग हाउ नाइस इट वुड बी इन late autumn टू गो अब्रॉड समवेयर टू द साउथ ऑफ़ फ्रांस टू इटली एंड टू इंडिया अब वो सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा जब वो लेट ऑटम में विदेश जाएगा कहीं फ़्रांस uh, के दक्षिण में या फिर इटली या फिर इंडिया में कहीं आई should certainly गो अब्रॉड टू हिज वाइफ सेट बट लुक एट द नंबर ऑफ द टिकट तो उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ मुझे भी विदेश जाना चाहिए निश्चित तौर पर लेकिन लॉटरी का नंबर तो देखो टिकट का नंबर देखो उसने कहा उसकी वाइफ ने वेट वेट ही सेट एंड वॉकड अबाउट द रूम एंड वेंट ऑन थिंकिंग अब जो आई था उसने कहा कि अरे रुको ज़रा इंतज़ार करो और फिर से वो रूम में इधर उधर चलने फिरने लगा वाट इफ़ हिज वाइफ रियली डिट गो अब्रॉड उसने सोचा अरे क्या होगा तब अगर सच में उसकी वाइफ उसके साथ अब्रॉड चली गई तो इट इज़ प्लीजन टू ट्रेवल अलॉन उसने सोचा कि अकेले यात्रा करना तो बहुत शांतिपूर्ण होगा और इन द सोसाइटी ऑफ लाइट या फिर उजाले में समाज के साथ केयरलेसली वुमेन हु लिव इन द प्रजेंट एंड नॉट सच आई थिंक एंड टॉक ऑल द जर्नी अबाउट नथिंग बट देर चिल्ड्रेन साई एंड ट्रेम्बल विद डिस्मे और एवरी फार्दिंग अब वो सोच रहा है कि अगर उसकी पत्नी उसके साथ जाएगी तो उसकी पत्नी का जो व्यवहार है वो कैसा है कि वो पूरी यात्रा में अपने बच्चों के बारे में ही बात करती रहेगी और कुछ किसी बारे में बात करने के लिए है नहीं उसके पास तो अपने बच्चों के बारे में बात करेगी साई मीन्स टू टेक डीप ब्रेथ एंड ट्रम्बल विद डिसमे मतलब ऑन एवरी फार्दिंग फार्दिंग इज अ मोनिट्री यूनिट ऑफ यू के अब क्या है कि जैसे अपने यहाँ एक रुपया होता है और उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता था वो क्या होता था एक पैनी या पैसा तो उसी तरीके से फार्डिंग है तो हर एक पैसे पे जब वो खर्च करेगा तो उसके ऊपर वो झगड़ा करेगी आई वॉन्ट माइट इमेजेंड हिज वाइफ इन द ट्रेन विद मल्टीट्यूड्स ऑफ पार्सल्स बास्केट्स एंड बैग अब अवान माइट्री जो है वो कल्पना कर रहा है कि उसकी वाइफ कैसे ट्रेन में काफ़ी सारे मल्टीट्यूड मतलब इन अ लार्ज नंबर ऑफ पार्सल्स और बास्केट्स बहुत सारी उसने ले रखी होंगी और कई सारे बैगेजेस होंगे और उसके साथ वो ट्रेन में ट्रेवल कर रही होगी सी वुड बी और समथिंग कंप्लेनिंग दैट द ट्रेन मे दैर दैट सी हैड स्पेंड सो मच मनी अब वो सोच रहा है कि उसकी जो वाइफ है वो क्या करेगी कि हर चीज़ पे गहरी गहरी सांसें लेगी हर चीज़ पे वो शिकायत करेगी कि उसके ट्रेन में उसका सर दर्द होने लगा और उसने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया है वो हर चीज़ के बारे में शिकायत करेगी सी वुड बूच मी एवरी फार्थिंग ही थाट उसने सोचा कि हर एक पैसे पे जो मैं खर्च करूँगा उसके ऊपर वो ईर्ष्या करेगी डाह करेगी ही थॉट उसने ऐसा सोचा विद ग्लानस एट हिज वाइफ अपनी वाइफ की तरफ एक झलक देखते हुए वो ऐसा, ऐसा सब सोच रहा है द लॉटरी टिकट इज़ हर्स नॉट माइन बेसाइट्स वॉट इज़ द यूज़ ऑफ आर गोइंग अब्रॉड वो सोच रहा है कि लॉटरी टिकट तो उसका है मेरा नहीं है लेकिन उसका विदेश जाने का क्या मतलब होगा आखिर वाट डी वॉन्ट देयर उसका वहाँ क्या क्या चाहती है वो वहाँ सी वो शर्ट हर्सल्प अप इन द होटल एंड नॉट लेट मी आउट ऑफ अ साइट आई नो वो सोच रहा है कि वो अपने आप को होटल के कमरे में बंद कर लेगी और मुझे भी अपनी नज़र से दूर नहीं जाने देगी and for the first time in his life his mind dwelt in the fact that his wife had grown elderly and plain and that she was saturated through and through with the smell of cooking while he was still young fresh and healthy and might well have got married again तो अब जब ये सब कल्पनाएं वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आईवान मार्टी जो है वो अपनी वाइफ के प्रति ईर्ष्या से भर गया है और वो सोच रहा है कि आखिर उसकी पत्नी को उसके साथ विदेश जाने की ज़रूरत क्या है और फिर वो सोच रहा है पहली बार उसके दिमाग में ये ख्याल आया वो सोचने लगा कि उसकी जो पत्नी है वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है और प्लेन हो गई है प्लेन मींस नॉट हैविंग एनी कैंड ऑफ अट्रैक्शन मतलब उसकी जो ब्यूटी है वो सब फेड हो चुकी है वो अब खूबसूरत नहीं है अट्रैक्टिव नहीं है और खाना बनाते बनाते वो इतना ज़्यादा सोक्ड हो गई है विद द स्मेल ऑफ कुकिंग और uh, क्या है कि वो अपने बारे में सोच रहा है कि वो तो अब भी जवान है और वो अगर चाहे तो अब भी एक दूसरी शादी कर सकता है वो फिर से शादी कर सकता है क्योंकि वो जवान है और हेल्दी uh, है ऑफ कोर्स ऑल दैट इज़ सिली नॉन सेंस ही थाट और फिर उसने सोचा कि बेशक ये सब कुछ बिल्कुल बकवास है बट वाई शुड ही गो अब्रॉड लेकिन फिर भी उसे अब्रॉड क्यों जाना है आखिर वट सी वुड सी मेक ऑफ इट और इससे उसे क्या फ़ायदा होगा क्या मतलब निकलेगा इसका एंड येट सी वुड गो ऑफ कोर्स आई कैन फैंसी इन रियलिटी इट इज़ ऑल वन टू हर वेदर इट इज़ नेपल्स और वो कहता है उसके लिए तो सब कुछ बराबर है जाना न जाना यहाँ जाना या वहाँ जाना सब कुछ बराबर है आई शुड बी डिपेंडेंट अपॉन हर और वो कहता है कि मुझे उसके ऊपर निर्भर होना होगा आई कैन फैंसी हाउ लाइक ए रेगुलर वुमेन शी वु लॉक द मनी अप एज सुन एज सी गेट्स सेट वो कहता है हर एक औरत की तरह जैसे कि हर औरत करती है मैं ये सोच सकता हूँ कि वो क्या करेगी जैसे ही उसे पैसा मिलेगा वो उसे लॉक के अंदर रख के उस पर ताला लगा देगी सी विल लुक आफ्टर हर रिलेशन एंड ग्रूज मी एवरी फार्थिंग कहती है वो अपने रिश्तेदारों की देखभाल करेगी और मेरी हर एक खर्चे पे पाबंदी करेगी हर एक खर्चे पर डाए करेगी ईर्ष्या करेगी आई वॉन्ट मल्टिस्ट ऑफ हर रिलेशन अब आई वॉन जो है वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा ऑल दोज रेचड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आंट्स एंड अंकल्स वुड कम क्राउलिंग अबाउट एज सुन एज हर्ड ऑफ द विनिंग टिकेट और बिगेन विनिंग लाइक बेगर्स वो क्या सोच रहा है कि उसके रिचड मीन्स पूरा मनहूस वो सोच रहा है कि उसके जो ब्रदर्स सिस्टर्स हैं अंकल आंट हैं वो सब लोग क्या होगा कि गिड़गिड़ाते हुए उसके पास आएंगे घसीटते हुए क्रॉलिंग मीन्स टू मूव फॉरवर्ड विद योर लेग्स एंड नीज़ हैंड्स एंड नीज़ जैसे बच्चे क्रॉल करते हैं तो वैसे वो लोग आएंगे उसके पास जब उनको पता चलेगा कि उन्होंने लॉटरी टिकट जीता है और वो किसी भिखारी की तरह उनसे गिड़गड़ाएँगे पैसों के लिए आई वॉन्ट माई टिज रिमेंडर रिमेंबर हिज ओन रिलेशन आई वॉन्ट माइ टि जो है वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगा एंड देयर फेसेस एट विच ही हैड लुक्ड इम्पार्शियली इन द पास्ट स्टक हिम नाव एज रिपल्सिव एंड हेटफुल अब वो सोच रहा है अपने रिश्तेदारों के बारे में जो प्रीवियसली उनका व्यवहार कैसा रहा उसके साथ और रिपल्सिव मीन्स डिस्टेस्टफुल यानी भाव शून्य हेटफुल मतलब घृणित अब उनके चेहरे जो हैं उसके सामने दिमाग में आ रहे थे और वो बहुत घृणित महसूस कर रहा था उनके चेहरे उसे अच्छे नहीं लग रहे थे एंड इस वाइफ फेस टू स्टक हिम एज रिपल्सिव एंड हेटफुल और अब उसे अपनी पत्नी का चेहरा भी बहुत ज़्यादा घृणित और भाव शून्य लग रहा था एंगर सर्ज इन इज हार्ट अगेंस्ट हर एंड ही थाट मेलेग्नेंटली सी नोज़ नथिंग अबाउट मनी एंड सो सी इस स्टिंगी अब वो सोच रहा है उसका दिल जो है वो गुस्से से भर गया अपनी पत्नी के लिए और वो बहुत उदासीपूर्ण तरीके से सोचने लगा कि उसकी जो पत्नी है तो वो तो स्टिंगी मीन्स मतलब सेल्फिश उसे पैसे के बारे में कुछ पता भी नहीं है और वो बहुत मतलबी भी है इफ़ सी वॉन्ट इट सी वुड गिव मी हंड्रेड रूबल्स एंड पुट मी द रेस्ट पुट द रेस्ट अवे अंडर लॉक एंड की वो सोच रहा है कि अगर वो ये पैसे जीत गई तो वो मुझे एक सौ रूबल्स दे देगी खाली और बाकी के पैसे जो हैं वो ताला लगा कर रख देगी एंड ही लुक्ड एट हिज वाइफ नॉट विद स्माइल नाउ बट विद हेटेड और अब उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा अब वो मुस्कुरा नहीं रहा था उसके चेहरे पे स्माइल नहीं थी बल्कि गुस्सा भरा हुआ था घृणा से देख रहा था वो अपनी पत्नी को सी हिम टू एंड ऑल्सो विद हैड एंड एंगर उसकी जो वाइफ थी उसने भी अपने पति की तरफ देखा और उसके अंदर भी गुस्सा और घृणा भरी हुई थी सी हैड हर ओन डे ड्रीम्स हर ओन प्लान्स हर ओन रिफ्लेक्शंस अब उसके अंदर उसके अपने सपने थे वो भी दिवस स्वप्न देख रही थी उसके अपनी योजनाएं थी अपने विचार थे और वो अपने विचारों में खोई हुई थी दोनों एक दूसरे के लिए एक ही तरह से सोच रहे थे मतलब दोनों एक दूसरे से घृणा कर रहे थे दोनों सोच रहे थे कि आखिर वो पैसा अकेले मैं क्यों ना खर्च करूं पूरा इन्जॉय मैं खुद ही करूँ क्योंकि अगर मैं इसके साथ जाऊँगा अपने पार्टनर के साथ तो फिर मेरा जो इन्जॉय है या, जो एंजॉयमेंट मैं करना चाहता हूँ वो नहीं हो पाएगा ओके सो लेटेस्ट रीड है सी अंडरस्टूड परफेक्टली वेल वाट हजबेंड्स ड्रीम्स वर उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके हस्बैंड के ड्रीम क्या हैं सी न्यू हु बी द फर्स्ट ट्राई टू ग्रैब हर विनिंग्स उसे पता था कि जब वो ये पैसा जीत जाएगी तो सबसे पहले वो कौन होगा जो उसके ये पैसे पे हाथ मारना चाहेगा इट्स वेरी नाइस मेकिंग डी ड्रीम्स एट अदर पीपल्स एक्सपेंस तो किसी दूसरे के पैसों पर इस तरह दिवा स्वप्न देखना एक बहुत अच्छा बहुत आसान काम है ऐसा वो सोच रही है इस वॉट हर आइज एक्सप्रेस्ट जो कि उसकी आँखों से झलक रहा था नो डोंट यू डेयर हर हजबेंड अंडरस्टूड हर लुक है बिगे स्टीयरिंग अगेन इन हिज ब्रेस्ट एंड इन ऑर्डर टू अज वाइफ ही ग्लैंस्ड क्विकली टू स्पाइट एट एन फोर्थ पेज ऑन द न्यूज़ पेपर एंड रेड आउट ट्रम्फेंटली सीरीज नाइन फोर नाइन नाइन नंबर फोर्टी सिक्स नॉट ट्वेंटी सिक्स उसका हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा था कि उसकी वाइफ जो है वो क्या सोच रही है और उसका हृदय जो है वो भरा हुआ है गुस्से से और घृणा से तो उसको चिढ़ाने के लिए तो अनोय हर आ, उसने बहुत एक विजयपूर्ण जैसी आवाज़ में उसने पढ़ा ये सीरीज़ नाइन फोर नाइन नाइन यानी सीरीज़ का नंबर तो मैच हो गया और नंबर है टिकट का जो नंबर है वो है फोर्टी सिक्स नॉट ट्वेंटी सिक्स यानी कि टिकट का नंबर जो विनिंग टिकट है वो फोर्टी सिक्स है ट्वेंटी सिक्स नहीं है और इनके पास जो टिकट था उसका नंबर क्या था ट्वेंटी सिक्स था तो मतलब क्या हुआ फाइनली द रिज़ल्ट केम कि इन्होंने लॉटरी टिकट नहीं जीता है Hatred and hope both disappeared at once. امی thi ان تھی, and it began immediately to seem to Ivan Mitrich and his wife that their rooms were dark and small and low pitched. अब उन्हें लगने लगा कि उनके कमरे बहुत छोटे हैं वहाँ अंधेरा भरा हुआ है दैट द सपर हैड बीन ईटिंग वाज नॉट डूइंग दैम गुड और जो सपर उन्होंने खाया था वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा था बट लाइंग हैवी ऑन देअ इस्टमक अब उन्हें अपना पेट भारी लग रहा था दट द इवनिंग्स व लॉन्ग एंड वीरिसम अब जो ये शाम थी वो बहुत लंबी थी और बहुत थकावट भरी थी वाट द डेवल्स मीनिंग ऑफ एट सेट आई वॉन्ट माई ट्रिच Beginning to ill अब जो था वो परेशान हो रहा था अब उसका पूरा उत्साह चला गया था और परेशान होते हुए उसने कहा कि हे भगवान इसका मतलब क्या है आखिर क्या हम नहीं जीते हैं वेर एवर वन स्टेप्स देर आर बेड्स ऑफ पेपर अंडर वन फीट क्रम्स हस्क और अब वो झुंझला रहा है और वो गुस्से में कह रहा है कि जहाँ कहीं भी पैर रखो हर जगह पेपर के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए हैं हर जगह टुकड़े हैं और जो छोटे छोटे पील्स हैं यानी कि जो छिलके हैं इधर उधर पड़े हुए हैं द रूम्स आर नेवर स्वेप्ट कभी भी रूम में झाड़ू नहीं लगाई जाती है यहाँ पे, कभी साफ़ सुथरा नहीं होता है वन इज सिंपली फोर्स टू गो आउट और हर एक को बस बाहर ही जा सकता है आदमी आखिर यहाँ अंदर रहकर करेगा भी क्या डेमिनेशन टुक माई सोल इन वो कह रहा है कि मेरे जो हृदय हैं पूरी तरह से लानत से भर गया है मैं बहुत दुखी हो गया हूँ आई सेल गो एंड हैंग माई सेल्फ ऑन द फर्स्ट ट्री वो कहता है कि मैं तो बाहर जाकर ऐसा लग रहा है कि बाहर जाकर किसी पहला जो मुझे ट्री कोई भी ऐसा छोटा सा पेड़ मिल जाए तो मैं वहाँ पे जाके फांसी लगा लूँ अपने आप को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है एस्पन ट्री इज़ ए पॉपुलर ट्री विद राउंडेड लॉन्ग स्टॉक लीव्स दैट ट्रेम्बल्स इन इवन अ स्लाइट ब्रिज अगर हल्की सी एक एस्पन ट्री एक ऐसा होता है खोखला सा बड़ा नाजुक सा पेड़ होता है जो कि अगर हल्की सी भी हवा चले तो वो हिलने डुलने लगता है जैसे कि अपने यहाँ बेश्रम वगैरह होते हैं तो वो एक ह्यूमर तरीके से मतलब निराशा में कह रहा है कि कोई भी मुझे छोटा मोटा पेड़ ऐसे मिल जाए ना तो मैं उसमें जाके फांसी लगा लूँ मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गया हूँ सो दिस वॉज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स आई होप यू गॉट इट एंडस ऑल फॉर द डे एंड वी विल प्रैक्टिस द एक्सरसाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू